भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड तो अपनी वादियों, नदियों और झरनों के लिए बेहद प्रसिद्ध है और स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन आपके लिए हैरानी की बात होगी कि उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा जिला है जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले गुजरते वक्त 1954 में इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अगर सच पूछिए तो उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर जिला, जहाँ की नदियाँ, पहाड़, झरने, जिसे देखने के बाद आपका दिल यही बोल उठेगा कि सच में ये भारत का स्विट्जरलैंड ही है। और तो और दोस्तों, इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। और कहानी यही नहीं खत्म होती, ये जिला चार राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ सीमा भी साझा करता है। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्थित सोनभद्र जिले की। दोस्तों जिले के उत्तर पश्चिम में चंदौली जिला, उत्तर में बिहार राज्य की कैमूर और रोहतास जिले क्षेत्र से, उत्तर पूर्व में गढ़वा तक स्थित है, पूर्व में झारखंड का जिला, दक्षिण में छत्तीसगढ़ का राज कोरिया और सरगुजा जिला, और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य का सिंगरौली जिला इसके चारों तरफ अपनी सीमा बनाए हुए है। इतना ही नहीं दोस्तों, सोनभद्र जिले का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। ये जिले का एक औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें बॉक्साइट, स्टोन, कोयला, सोना आदि कई सारे खनिज भी पाए जाते हैं। और तो और, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रामायण और महाभारत के प्रतीक के आधार पर यहाँ मिले कुछ सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं। जरासंध द्वारा महाभारत युद्ध में कई शासकों को यहीं बंदी बनाकर रखा गया था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। क्षेत्रफल 6,788 किलोमीटर स्क्वायर, जनसंख्या 2011 के हिसाब से 18,72,559, घनत्व 270 किलोमीटर स्क्वायर, और जिले की साक्षरता 64.03% है। मुख्य भाषा हिंदी और भोजपुरी है। दोस्तों जिला जितना ज्यादा खूबसूरत है, दुर्भाग्य वाली बात तो ये है कि इस जिले की स्थिति उतनी ही खराब है। यहाँ के रहने वाले ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं, उनका जीवन इतना कठिन है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ के पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों के पास आज भी सही तरह से घर नहीं उपलब्ध है। और यहाँ के मजदूरों का हाल तो और बेहाल है। अगर आपके यहाँ मजदूरी 300-400 रुपए होगी तो यहाँ आज भी बड़े बड़े ठेकेदार और यहाँ के बड़े कर्मचारी उन मजदूरों को 100-150 पकड़ा के अपने बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। और तो और, यहाँ के कुछ गांव आज भी 100 साल पीछे हैं। वहाँ वास्तविक रूप से बिजली, पानी या फिर बहुत ऐसी बेसिक चीज़ें नहीं पहुँच पाई हैं। बेशक औद्योगिक विकास में ये क्षेत्र समृद्ध है, लेकिन यहाँ के कुछ वर्ग आज भी गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। और दोस्तों ये तस्वीर अगर आप अपने आँखों से देखेंगे तो सच में ये गरीबी देखने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा।